जनपद संबल हड्डी एवं सींग के उत्पादों के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है। आपको बता दें कि जनपद संबल की सदर तहसील के सरायतरी एवं हयातनगर हड्डी और सींग के बने उत्पादों के लिए विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन लॉकडाउन से ये इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही, लेकिन सरकार द्वारा घोषित अनलॉक के दौरान ये इंडस्ट्री फिर से अपनी पहली जैसी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। इस विषय में क्राफ्ट इंडिया के मालिक सुहेल परवेज ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी, लेकिन अब फिर से बिजनेस शुरू हुआ है। संभल में जो ये सरायतरीन में होममोन का काम होता है, इसमें प्रोडक्ट्स हमारे होम फर्निशिंग के बनते हैं, होम डेकोर के बनते हैं, क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं और हाउसवेयर, तो ये सब कस्टम ज्वेलरी बनती है, बैग्स बनते हैं, क्लचेस बनते हैं, ये मतलब नॉर्मल ये कैटेगरीज में काम होता है। जैसे कि लॉकडाउन हुआ उसके बाद क्या कारोबार पर किस तरह का असर पड़ा? 2 महीने तो कारोबार बिल्कुल बंद था, मतलब फैक्ट्रीज पूरी तरह से क्लोज थी। उसके बाद असर तो अभी भी काफ़ी है और प्रोडक्शन जिस तरीके से निकलनी चाहिए उस तरीके से नहीं निकल पा रही है, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे करके और इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे कि ये जो सब आपका प्रोडक्ट है ये कहाँ कहाँ सेल होता है? ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल होता है, मतलब मेन मार्केट इसकी हमारा यूरोप अमेरिका है और बाकी तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाता है एज पर द डिमांड। जैसे कि ये बोन उनका यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट बनता है, जो वेस्ट मटेरियल है जिसे मान लीजिए हम फेंक देते हैं या कुछ भी इस तरीके के सलेटर से, जैसे बोन हॉर्न, ये एक तरह का वेस्ट मटेरियल है, तो इससे हमें रिसाइकिल करके इसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे इंडिया में काफ़ी आता है। जैसे क्या क्या चीज़ बनती है यहाँ पर अपने? इसमें हैंडीक्राफ्ट में फर्नीचर्स बनता है, फोटो फ्रेम, इंटीरियर डेकोरेशन के ज़्यादातर आइटम, गिफ्ट आइटम्स और भी बटन्स वगैरह बनते हैं और एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपके इस बिज़नेस पे कितना प्रभाव पड़ा है? लॉकडाउन में तो सारे बिजनेस पे फ़र्क पड़ा है, इस पे भी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि जो ऑर्डर्स लगे हुए थे वो बहुत से कैंसिल हो गए, फिर डिमांड नहीं है, लोग अपने घरों से नहीं निकलते तो कोई ख़रीदेगा क्या, तो इसलिए जो हर स्टोर और हर जो इम्पोर्टर हैं, जो छोटे छोटे वहाँ पर भी इंटरनेशनल मार्केट में स्टोर बने हुए हैं, तो वो भी नहीं ख़रीद रहे, कोई भी नया ऑर्डर नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी भी सेल नहीं रही, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता था वो 50% तो लगभग कम हो गया है।